अस्सलाम वालेकुम। टोबा टेक सिंह के अंदर 22 साल मारिया का केस जो है वो दर्ज हुआ है थाने के अंदर। आपको सबको उसकी तफसीलात जो इब्तदाई हैं वो मालूम है, लेकिन जैसे जैसे केस आगे बढ़ रहा है उसमें कुछ तब्दीलियां आ रही हैं। आज यहाँ पर जो शहबाज था जिसने वीडियो बनाई थी, उसके कज़न का एक बयान आया सामने, जिसके बाद शहबाज जो है और ज़्यादा मुश्किल में फंस गया है। अब पुलिस ने 2 दिन पहले इनका रिमांड लिया था, 48 घंटे की तफ्तीश के बाद जो चीज़ें सामने ही वो आपको बताते हैं। और इसी दौरान जो शहबाज है उसका बहनोई सामने आया है और उसने आके एक शोर कर दिया कि थाने के अंदर हमारे चारों मुजरम जो हैं वो मौजूद नहीं है। अब उसके पीछे जो कहानी वो ये है कि इसको हाई फाई केस करार दिया गया था और इस मुजरमों को लाहौर शिफ्ट कर दिया गया था, वहाँ पर इनके सैंपल्स लेने थे कुछ DNA के कुछ दूसरे, ताकि इस केस को अच्छे तरीके से सॉल्व किया जा सके। और उसके बाद जो इनकी तफ्तीश हो रही है, उस तफ्तीश के अंदर DPO साहब ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने ये बयान दिया कि इब्तदाई तौर पर जो शहबाज है वो गिल्टी पाया जा रहा है, आगे जाके अगर वो इसमें से निकल जाता है तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर उसका सबसे बड़ा जुर्म ये है कि वो वीडियो बनाता रहा है। वीडियो बनाने के बाद उसको बजाय ये कि थाने आता वो उसको दफनाने चला गया, मतलब उसको उसने बहाना किया रिश्तेदारों के सामने कि मैं इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, और ये सारा बहाना करने के बाद फिर वो कहते हैं कि उसको दफना दिया सुबह सुबह। अब शहबाज इस सारे जुर्म में शामिल है, लेकिन यहाँ पर शहबाज की कहानी जो है वो सारी की सारी पलट के रख दी उसके एक कज़न ने। जैसा कि आपने वीडियोस देखी हैं उसके अंदर दिखाया जा रहा है कि एक बंद गली है जिसके लास्ट में एक साइड पे शहबाज का घर है, उसके सामने उसके चाचे का घर है, उसके साथ ही उसके एक ताया का घर भी है शायद, और ये जो दो घर हैं ये इन दोनों की शहबाज की फैमिली से कट ऑफ हो चुके हैं। वो क्यों? इनके वालिद की अपनी बहन के साथ कुछ रंजिश चल रही थी जिसकी वजह से ये आपस में सारे मामला इनके गड़बड़ थे। अब उसमें क्या सामने आएगा वो बात का मसला है, लेकिन यहाँ पर जो उनका कज़न है उसने जो बयान दिया उसने ये कहा है कि शहबाज जो है वो कहीं नहीं गया था, वो यहीं रहता था। अब शहबाज ने अपनी वीडियो में कहा है कि मैं यहाँ टोबा टेक्सिंग में नहीं था, मैं 2-3 महीने से दूसरे शहर में था। उसने कहा था कि मैं चौक आज़म था 2-3 महीने से काम के सिलसिले में। लेकिन उसके कज़न ने कहा कि ये दोनों भाई रोज़ाना यहाँ से मोटरसाइकिल के ऊपर निकलते थे, ये दोनों दिहाड़ीदार हैं और रोज़ यहीं से काम पर जाते थे, ये कहीं नहीं गया हुआ था। अब इसका मतलब है कि शहबाज पूरा पूरा शामिल है इस कहानी में। कहानी जो है वो आगे हर वक्त इसके जो नतायज हैं वो बदल रहे हैं, और दूसरे बाप बेटा जो है उन्होंने अपनी कुछ जो जुर्म है उसको कबूल भी कर लिया है। अब आगे देखते हैं क्या बनता है। जो जो अपडेट आएंगे आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दिया करें और कोशिश करें किसी के ऊपर जुल्म ना करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।